हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसन्नजीत वेस्ट बंगाल से। जैसे मैंने प्रोवाइडिंग दिया अभी आपको मालूम है, डेट बता दिया था और मैं बताया था उसका 4 से 5 दिन पहले आपको मछली छोड़ना है। आप अभी देखिए पूरा, मैं 1 ग्लास वाटर लेके आया और उसमें देखिए जो पूरा जितना आपको दिखाई दे रहा है, छोटा से लेके बड़ा सब आपका जू प्लांटन है। छोटा साइज को आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने जूम किया और ये पूरा आपको जू प्लांटन है, ठीक है। और जो बड़ा साइज हो जाता है आपको दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई दिया। फिर इसको क्या होता है, जब भी पॉइंट पोपोकेयर उसमें जाता है ये सारे ब्रीडिंग करना लग जाती है और इसका भी बच्चा होता रहता है। जो ज्यादा बड़ा है वो आपको नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जितना बड़ा होता है नीचे बैठ जाता है, पूरा नीचे बड़ा हुआ है। देखिए आपको उसका मूवमेंट दिखाने का कोशिश करूंगा, मालूम नहीं कितना आएगा कैमरा में, तो कोशिश करूंगा नीचे उसका मूवमेंट दिखाने का। देखिए जो बड़ा साइज है पूरा नीचे घूम रहा है, जैसे मैं बताते रहता हूँ आपका जू प्लांटन एकदम नीचे वाला पार्ट में बैठा रहेगा और उसका ब्रीडिंग चलता रहेगा आपका तालाब का अंदर। और अगर आपका टैंक में पॉन्ड में सिंगी मागुर होता है और उसका एक जो खाना होता है ये सबसे बेस्ट खाना होता है, इसीलिए मैं बताता रहता हूँ आप खाना देने का जरूरत नहीं है, अगर दीजिए भी तब भी उसका 1% काफी है, ठीक है। ये हो गया आपका बड़ा साइज का, सब सब आपको दिखाई दे रहा है। आज तो मुझे सब सब दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी सब सब दिखाई दे रहा है। देखिए आपको फीमेल जू प्लांटन भी दिखाई देगा जो अंडा लेके घूम रहा है। आपको देखिए, आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा वाला फीमेल है, आपको देख के पता चल जाएगा उसका भी अंडा है पेट में और वो भी पर वीक वो बच्चा छोड़ता रहेगा। तो ये हो गया आपका बड़ा साइज का, देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सब बड़ा साइज का है, ठीक है। देखिए पूरा एकदम ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए ये बड़ा साइज का है और बाकी ऊपर जो एकदम छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाकी आपको दूर से पता नहीं चल रहा क्या है, मैं उसको भी दिखाता हूँ छोटा छोटा वाला क्या है। देखिए नॉर्मली क्या है, एक छोटा छोटा नॉर्मली आपको कुछ दूसरा चीज लग रहा है ना, तो देखिए उसका भी मूवमेंट देखिए, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो छोटा छोटा है वो भी जू प्लांटन है, ठीक है। जो बड़ा साइज का है वो तो घूम रहा है, अच्छे से घूम रहा है, उसका बात ही अलग है, उसका बात आप छोड़ दीजिए। बट जो छोटा है, देखिए जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे आपको 1 दिन से 2 दिन के अंदर बड़ा साइज का हो जाएगा। ऐसा इसका प्रोसीजर चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा फैन को बंद करता हूँ, नीचे फैन के लिए ज्यादा वाटर घूम रहा है। फ्रेंड्स मैं फैन को बंद कर दिया, अभी देखिए आपका छोटा छोटा पार्ट आपको समझ में आएगा। देखिए छोटा वाला पार्ट भी घूम रहा है ना, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए बड़ा वाला पार्ट को आप मत देखिए, देखिए ये जो बड़ा साइज है इसको आपको देखना नहीं है, जो छोटा साइज बहुत सारा है ना उसमें भी छोटा है, और से छोटा है, उससे मीडियम है, उस साइज को फॉलो कीजिए। देखिए 3-4 साइज दिखाई दे रहा है ना, जो थोड़ा सा बड़ा साइज दिखाई दे रहा है एकदम बड़ा नहीं, वो भी रेडी हो रहा है, उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है, इसमें 4-5 साइज है अवेलेबल है, ठीक है।
चार से पांच साइज अवेलेबल। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बड़ा साइज का, थोड़ा सा चिंगड़ी मछली श्रिम्प जैसा लग रहा है ना, इधर से उधर भाग रहा है। और जो छोटा साइज है सबका मूवमेंट देखिए, देखिए सबका मूवमेंट देखिए, नीचे से ऊपर जा रहा है ना। इसको अगर हम छोटा कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अभी अभी मूवमेंट पता चल रहा है ना आपको, जो छोटा साइज का था। तो आप अभी सोचिए 200 ml, इस 1 गिलास वाटर में 200 ml वाटर है, ठीक है। तो इसमें अगर इतना जू प्लैंकटन है तो ये तो मैं ऊपर वाला हिस्सा से लिया, कि आप सबको मालूम है जैसे मैं बताया, जो बड़ा साइज का जू प्लैंकटन बन गया वो आपको नीचे रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए पूरा नीचे बैठा हुआ है। देखिए देखिए ठीक है, जो बड़ा साइज का है सब पूरा नीचे बैठा हुआ है और वो ब्रीडिंग में लग जाती है। और ये 10 से 15 दिन का बाद जब सेकेंड डोज पड़ेगा, ये कितना ज्यादा हो जाएगा आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिडिल में व्हाइट स्टिकर है इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ रहा है मिडिल पोर्शन में कितना है। तो देखिए जो बड़ा वाला साइज है आपका नीचे है और जो छोटा साइज है वो पूरा आपका ऊपर में है, ठीक है। तो मैं तो वाटर कलेक्ट किया ऊपर से, तो आप सोच लीजिए तो जो नीचे वाला पोर्शन है तालाब का उसमें कितना ज्यादा जूप्लैंकटन बना है, ठीक है। तो अगर 200 ml में इतना ज्यादा बन गया तो आप सोचिए 4,000 लीटर, अगर 4,000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा मेरा पॉइंट है और उसमें अगर एवरेज 6 फीट का वाटर है तो उसमें कितना जू प्लैंकटन हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए मैं बताता रहता हूँ, आप फीड दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको फीड देना भी है आप 1% फीड दीजिए उसमें भी हो जाएगा, नहीं दीजिए तब भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे हमारा कोई फीस आएगा, तो कोई फीस आएगा अगर सिंगी भी होता है मागुर भी होता है जो भी होता है, एक खाना अगर उसको मिल जाएगा ना तो उसको रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है। और ये अगर जब बन जाता है, इसका जो मेन खाना क्या होता है फाइटोप्लैंकटन, ये जब ज्यादा मात्रा में बनेगा तो आपका फाइटोप्लैंकटन धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब आपका पानी थोड़ा सा व्हाइट टाइप का हो जाएगा। बट उसमें टेंशन नहीं है, व्हाइट टाइप का हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका ज्यादा जूप्लैंकटन बनेगा तो सारे मछली आपको अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर इसको हम ट्रीटमेंट नहीं करेगा मछली 15 दिन में इसको खत्म कर देगा। इसीलिए इसका एक सिंपल प्रोसीज्योर है, एक चार्ट है कैसे हमारा पॉन्ड को प्रिपरेशन करना है। तो उसी चार्ट को अगर हम फॉलो करें तो ये जो आपको जू प्लैंकटन दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बनता रहेगा। और उसमें आपका मछली का जो FCR है, मछली के खाने का जो खर्चा होता है वो भी देना नहीं पड़ेगा। और इससे जो मछली ग्रोथ होगा, ठीक है, जैसे 100 ग्राम अगर मछली छोड़ते हो तो 4 ग्राम में, अगर पॉन्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम सही रहेगा तो 4 ग्राम में 600 से 650 ग्राम तक कतला का साइज आ सकता है, ठीक है। और आप देखिए ये जो जू प्लैंकटन होता है छोटा सा, मतलब चिंगड़ी टाइप का देखने में होता है, ठीक है। और इसके लिए जो मैं जैसे बता रहा हूँ आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए और इसमें बहुत फायदा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स साथ में रहिए और भी अच्छा अच्छा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसका साथ साथ और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ,
सबसे ओल्ड पॉइंट 10 साल 15 साल यूज नहीं हुआ, इस टाइप का पॉइंट अगर आपका एरिया में है तो आप उसको लीजिए और हमारा तक वो प्रॉब्लम को पहुंचाइए। मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूं, 15 दिन का अंदर वही तालाब अच्छा हो जाएगा और उस तालाब में आपको कुछ फीडिंग ही नहीं करना है, मछली को खाना ही नहीं देना है, बिना फीडिंग में आप उसमें कल्चर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। वेस्ट बंगाल से प्रोसेजीत। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अपडेट, पॉइंट पूर्वमिस और प्रोएक्टिव और बायोजेल डालने में क्या क्या हो सकता है। और जैसे आप देखा, सैलिनाइजर में पानी में घुल के रख दिया, जब एक पॉइंट में जाएगा इसका ब्रीडिंग और भी ज़्यादा होगा। अगर पॉइंट को रिलेटेड, बायोफ्लॉक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में आप कॉन्टैक्ट करें। और इसमें टोटल 4 टाइप ऑफ जू प्लांटों दिखाई दे रहा है। थैंक यू। वेस्ट बंगाल से प्रसन्नजीत।